नेक्स्ट टॉपिक नोट करिएगा, रेसिस्टिविटी। इसमें लिखिएगा, एज वी हैव सीन दैट ना एज वी हैव सीन दैट द रेसिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर वन। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, we get to know that R is directly proportional to L upon A. अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दूं तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो गया। अच्छा, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि कहीं पर भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है तो उसको हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए कोई कांस्टेंट जरूर मल्टीप्लाई होता है। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए, वेयर रोहो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, देता हूँ रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। एक मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। यहां पर ये जो कांस्टेंट है रो, इसको बोलते हैं हम रोहो, आर एच ओ रोहो। इसका प्रोनंसिएशन है R H O रो, ठीक है। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज जैसे रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये R A में मल्टीप्लाई हो जाएगा और L डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब देखिएगा, इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर तो है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, यहाँ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर।
अपॉन में है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ओम मीटर, ऐसा यूनिट हो गई इसकी ओम मीटर। अब नोट करके लिखें यहां पर, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। अब क्या होता है कि ये जो रेसिस्टिविटी है ना किसी भी सब्सटेंस की, रेसिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे हमने कहा के ओम्स लॉ में हमने देखा था वी इज इक्वल टू आई आर है ना, तो आई सॉरी यहाँ से आर क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई वी अपॉन आई, ठीक है, तो आर की वैल्यू हो गई वी अपॉन आई, तो हम वोल्टेज को चेंज करेंगे करंट भी चेंज होगा, तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, तो रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ, जैसे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पर, लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और आपका जो नेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। इसी तरीके से जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंडक्टर जो है वो करंट के पाथ में कितना ज्यादा ओपोजिशन कर सकता है, उसका कितना ज्यादा उसके पाथ को रोक सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है उसके पाथ में, तो उसको हम बोल देते हैं रेसिस्टेंस। और किसी भी सब्सटेंस की करंट को रोकने की कितनी कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड, मतलब रेसिस्टेंस ऑफर करने की कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये है कि रेसिस्टेंस तो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी केवल लास्ट वाले दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी वायर का जो मटेरियल है वो ये डिसाइड करेगा कि उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, ठीक है। अगर कॉपर है तो कॉपर का कैसा भी वायर हो, वो चाहे बहुत लंबा हो चाहे बहुत छोटा हो, उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। रीजन क्या है, क्योंकि लेंथ पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अगर आप बहुत लंबा वायर ले लें कॉपर का तो भी उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही होगी जितनी एक छोटे से टुकड़े की होगी, ठीक है। वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल और केवल आपका नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बताइए। यस अक्षरा, सर, मोदित, पालकी, पावनी, यस योग, सर, पालकी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर
A copper wire of length 2 meter and area of cross section A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Full stop. Calculate the resistivity of copper. A copper wire of length 2 meter. तो एक copper wire है जिसकी length 2 meter दे रखी है, तो L is equal to 2 meter. L is equal to 2 meter and area of cross section कितना है? 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square. ये area of cross section दे रखा है. अब वो बोल रहे हैं, it has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Calculate the resistivity of copper. Resistivity rho is equal to Ra upon L. So R kitna hai? 2 into 10 to the power minus 2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन लेंथ कितना है? 2. तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है. और अब हम क्या कहेंगे कि 10 की पावर माइनस 2 है और 10 की पावर माइनस 6 है, तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो रो कितना हो गया? 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर. बताइए भाई, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं. यस सर. समझ गए? पालकी, युग, मोदित, अक्षत, अक्षरा. यस सर. यस सर. क्लियर है? चलिए मैं आगे चलता हूँ सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इधर कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर. ऑप्शन ए है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम. पार्ट ए है,
what will be the resistance of this wire? What will be the what will be the length of this wire? What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? To make its resistance 10 ohm. Part B. How much does the resistance change if the diameter is doubled? How much does the resistance change if the diameter is doubled? How much does the resistance change if the diameter is doubled? Diameter को अगर double कर दिया जाए तो resistance में क्या change आएगा? खैर एक एक करके देखते हैं. A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter. तो diameter हो गया 0.5 millimeter. जहां पर भी कभी मिली आ जाता है ना मिली, तो मिली का मतलब क्या है कि आपको 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो अपने आप ही मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब ये जो मिली है, इस मिली का मतलब ही 10 की पावर माइनस 3 होता है. तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर ये हो गया है ना, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, 0.5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर. ये तो हो गया इसका रेडियस. अब वो बोल रहे हैं रेसिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर. रेसिस्टिविटी निकालने से पहले जब रेडियस दे ही रखा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर पाई को क्या बोलेंगे, 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर. 3.14 इंटू 25/100 इंटू 25/100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6. भाई पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 10 की पावर माइनस 6 हो गया. ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करो. 25 4 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 75 और 3 78, तो 78.50 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा 25 अपॉन 100 है, तो 100 एक्चुअली 10,000 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ठीक है, अब ये जैसे 78.50 है तो इसमें बाद वाला जीरो लिखने की तो कोई जरूरत होती नहीं है.
और ये 10 की पावर 4 बन गया, तो ऊपर आकर 10 की पावर माइनस 4 बन जाएगा, तो माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर माइनस 10 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 78.5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 करो मल्टीप्लाई, 25 फाइव्स आ 125, 12 कैरी आ गया, 25 एट्स आ 200, 200 और 12 हो गया 200, 12 2 हो गया तो 21 कैरी आ गया, 25 सेवन्स आ 175 और 175 और 21 कितना हो गया 196, 1962.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब अगर इस पॉइंट को तीन प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना हो तो यह हो जाएगा 1.96, आगे 25 लिखने की जरूरत नहीं है, तो तीन प्लेसेस इधर शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर 3 आ गया इधर और ये 10 की पावर माइनस 10। कितना मीटर स्क्वायर, यहां तक बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं। भावनी, योग, पालकी, अक्षत बताइए। यस सर समझ गए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ सर। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। तो ए पार्ट में रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, तो एल कितना हो जाएगा, एल इधर ले आओ रो इधर ले जाओ, एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। आर क्या है, रेसिस्टेंस क्या है इसका 10 ओम, एरिया 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ये पॉइंट गया ऊपर आया 10, ये पॉइंट गया तो नीचे आया 100, तो ये दो जीरो से एक जीरो ये और एक जीरो ये कट गया, तो 196 अपॉन 16 और ये 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की पावर 8 और ये माइनस 7 है, तो L इज इक्वल टू 1960 अपॉन 16, तो 16 वन जा 16, 19 माइनस 16 कितना हो गया 3, 3 6 36, 16 टू जा 16 टू जा हो गया 32, 36 माइनस 32 कितना हो गया 4, 40 40, 16 टू जा 32, 40 माइनस 32 880, 80 16 5 जा 80, तो लेंथ आ गया बेटा 122.5 मीटर। बताइए क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चे बता दें सबको समझ में आ गया इतना। यस सर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है पार्ट बी। सर ए पार्ट का सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। सेकंड स्टेप कौन सा? सर 196 अपॉन 16 इनटू 10 की पावर 8 माइनस 7 वाला। बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि जैसे यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला तो समझ में आ गया होगा, 10 तो रेसिस्टेंस है, है ना, 1.96 पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100 क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, 1.6 का पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, तो इधर 10 है इधर 10 है, 10 10 से 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 196 अपॉन 16 बचा, 196 अपॉन 16
और ये 10 की पावर माइनस एट ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस एट, और माइनस सेवन था ही, तो 8 माइनस सेवन कितना बचा, 10 बच गया, तो 196 इंटू 10 हो गया 1960, समझ गए? ओके सर, बता दीजिए कोई डाउट है तो दोबारा बताऊं, समझ गए कि नहीं? ये नहीं सर, समझ गया। ठीक है, पार्ट बी देखिए। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, देखिएगा, डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का अगर डबल करते हैं तो वो डायमीटर आ जाता है, ये समझ गए? Yes, भाई ये तो होता ही है ना, डायमीटर तो 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, तो केस फर्स्ट, R is equal to rho L upon A. तो R is equal to, ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, तो rho L upon A कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और यहां जो रेडियस है R जो है इसको डायमीटर के टर्म्स में लिख दो, तो R को क्या लिखूंगा मैं, d by 2, तो R is equal to rho L upon पाई d by 2 का स्क्वायर, तो r is equal to rho l divided by pi into d square by 4, तो r is equal to rho l multiplied by 4 upon pi d square, तो r is equal to 4 rho l upon pi d square, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर वन। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, मतलब जो हमारा रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, और मैंने उसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जैसे आर की टर्म्स में होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने उसको डायमीटर की टर्म्स में निकाल दिया, तो ये आ गया 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अच्छा अगर ये क्लियर है तो अब मैं अगला केस देखता हूं, केस सेकंड जो इसमें बी पार्ट में दे रखा है। तो इसमें तो हमने कुछ नया नहीं करा, यहां पर तो बस रेडियस को डायमीटर के टर्म्स में लिखा है। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अब अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो जो नया डायमीटर है वो क्या हो गया 2d, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, रेसिस्टेंस को बोल दो r डैश इज इक्वल टू 4 रो l अपॉन पाई d डैश स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम, बस अब क्या करना है कि अब d डैश कर दिया, अब डायमीटर जो है वो नया डायमीटर है, नया डायमीटर कितना बोला हमने d डैश, और वो d डैश क्या है, वो पुराने डायमीटर के डबल के बराबर है, d डैश इज इक्वल टू 2d। अब देखिएगा कैसे करेंगे, फोर रो एल अपॉन पाई थ्री डैश की जगह डाल दीजिए 2d, फोर रो एल अपॉन पाई 2d का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये हो गया d स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, इसको थोड़ा सा अलग निकालो, 1 upon 4,
और यहां लिखिएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ये ओरिजिनल रेसिस्टेंस के बराबर है. आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर. यहां आप लिखेंगे रेसिस्टेंस विल बिकम वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस. बताइए जी, क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. चलिए जी, सही है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन 3 है, अ 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. Full stop. Calculate the new resistance of the wire. Calculate the new resistance of the wire. Six ohm resistance wire is doubled up by folding. R is equal to 6 ohm है और जो उसकी लेंथ है उसको L मान लो और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कैपिटल A मान लो और जो उसकी रेसिस्टिविटी है उसको रो मान लो. सबको सेम सेम मान दिया हमने, बस रेसिस्टेंस इसका 6 ओम है. ठीक है, तो अब इसमें हम ये कहेंगे कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर. तो आर इज इक्वल टू कितना है, ये होता है रो एल अपॉन ए. ये हमारा हो गया केस फर्स्ट. केस फर्स्ट इसमें ये वायर है और ये है वायर की लेंथ L. और ये है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A. अब क्या करा हमने, फेज सेकंड में इस वायर को बीच में से फोल्ड कर दिया. फोल्ड करेंगे तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल हो जाएगा और लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी. कैसे? मान लो यहां से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैंने वायर को ऐसे फोल्ड कर दिया. वायर को फोल्ड कर दिया तो
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए तो ये था और ए ये था, ये डबल हो गया, और जो लेंथ थी टोटल वायर की वो घटकर कितनी रह गई, एल बाई टू। बताओ भाई सभी को क्लियर है कि नहीं इतना। वायर को जब भी हम फोल्ड करके डबल करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो घटकर आधी रह जाएगी, ठीक है। आगे लिख रहा हूं इस चीज को, व्हेन द वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग इट्स लेंथ बिकम्स हाफ व्हाइल द एरिया डबल्स अप, जबकि उसका एरिया जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन द वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, तो नया जो केस है इसमें हमारा एरिया ए डैश ये हो जाएगा 2a के बराबर, और जो नई लेंथ है एल डैश ये हो जाएगी एल बाई टू के बराबर, ये हो जाएगी एल बाई टू के बराबर। ये ओरिजिनल जो रेसिस्टेंस था वो इसका 6 ओम आ रहा था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम ये कहेंगे नया रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस आर डैश, किसी भी वायर का मटेरियल तो सेम है ना, जब मटेरियल सेम है तो इसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। तो रो तो एज इट इज, रो एल डैश अपॉन ए डैश, तो आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश क्या है एल बाई टू डिवाइड बाई ए डैश, ए डैश क्या है 2a, आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई 1/2a, हो गया ठीक है, छोड़ दो। हाँ ये रख लो बस, आर डैश इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 2 4, तो 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए, तो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए, क्या है ये रो एल अपॉन ए की वैल्यू है 6, ओके 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो गया 1.5 ओम। बताइए जी क्लियर है कि नहीं। इसकी वैल्यू 1.5 ओम आ गई, ये सभी को समझ में आ गया, ठीक सर। है। दोबारा बताना तो नहीं है, देखो हमने क्या करा, जो नया रेसिस्टेंस है, अब हमने ये बोला था कि जो रेसिस्टिविटी है रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, रेसिस्टिविटी वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, आपने मटेरियल ही चेंज कर दिया अगर वायर का, मतलब आपने वायर ही चेंज कर दिया तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, पर वायर तो सेम है। आपने क्या कराया, आपने उसको वायर को डबल अप कर दिया है, फोल्ड कर दिया है, तो आपने जब इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी लेंथ जो पहले कैपिटल, जो पहले पूरी एल थी स्मॉल एल, तो वो हाफ हो गई, आधी रह गई एल बाई टू, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये डबल हो गया, पहले ए था अब ए, और ए यानी कि टोटल अब कितना हो गया 2a, तो नया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए डैश ये तो हो गया 2a के बराबर, और जो एल डैश है ये हो गया एल बाई टू के बराबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए डैश इज इक्वल टू 2a, एल डैश इज इक्वल टू एल बाई टू, तो नया रेजिस्टेंस रो एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश की जगह डाल दिया एल बाई टू, डिवाइड बाई ए डैश है तो डिवाइड बाई 2a, ए डैश की जगह 2a, फिर ये हो गया रो एल बाई टू, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल 1/2a, तो 2 2 4, 1/4 अलग ले लिया, रो एल अपॉन ए ऐसे लिख लिया, रो एल अपॉन ए की वैल्यू हमें मालूम है 6 ओम है, तो रो एल अपॉन ए की जगह 6 डाल दिया,
तो 2 टू द 4 2 3 द 6 एंड 3 बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, क्लियर है? Yes, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका कल का ऑफ रहेगा, अब आपकी नेक्स्ट क्लास परसों होगी। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके।